ठीकरी अंजड़ राजमार्ग 347 भी लगभग पूर्णता की ओर है। वहीं ठीकरी नगर परिषद पर स्थित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NH3 पर सर्विस रोड का निर्माण अब भी अधर में अटका हुआ है, जो कल्थिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा ही किया जाना है, जिसकी डेडलाइन 31 मार्च 2021 निर्धारित है, लेकिन आज दिनांक तक भू अर्जन की कार्यवाही ही नहीं हुई। मार्ग निर्माण के लिए कई बार जमीनों की नापतोल भी की गई, किंतु कहीं न कहीं मामला पेचीदा होने के कारण उलझता ही जा रहा है, जिसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। वहीं बड़वानी से आने जाने वाले लोग परेशान होते नजर आते हैं। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर इंदौर की ओर जाना पड़ रहा है। वहीं गुरुवार को रोस्टर निरीक्षण के दौरान ठीकरी तहसील में जिला कलेक्टर का आगमन हुआ। निरीक्षण करने के बाद ठीकरी नगर परिषद सीमा में स्थित अधिग्रहित होने वाली भूमियों का जायजा लिया, जो NH3 को NH 347B से जोड़ने के लिए सर्विस रोड का निर्माण होना है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से सुरेंद्रमा की खास रिपोर्ट। तहसील का जो हमारा वार्षिक रोस्टर मिशन होता है तहसील का मिशन किया मैंने, और इसके अलावा एक भूजन का जो मामला है जो बाईपास निकला हुआ है, इसमें तो जमीन का कुछ इशू है उसको मौके पर। सर, काफ़ी दिनों से इशू चल रहा है, रोड बन जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी तक बना नहीं है, ऐसा कुछ मैटर है? कहीं ना कहीं किसान भी परेशान है, ये वाला रोड जो बाईपास बनने वाला है, मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं है क्या इशू है। अरे मुझे इतना मामला है, भू अर्जन का मामला है जी, इसमें तो जमीन कम ज़्यादा गई है, तो उसको हमने देखा हुआ है, और जो इशू हुआ तो फर्क नहीं। सर, नगर परिषद बना हुआ है जहाँ पर सरकारी भवन बहुत सारे खाली हैं, इनको लेके भी क्या क्या होगा, इनके आगे क्या करेंगे? खाली है जी सर, बहुत सारे मकान भवन है जो अभी खाली पड़े हुए हैं। सरकारी जी, सरकारी भवन पंचायत को है।